गुड मॉर्निंग गाइज, निकल पड़े हैं ऑफिस के तरफ और आज ऑफिस में जाने के बाद ही फिर से जाएंगे फील्ड में। ज़्यादा दूर नहीं है, जाएंगे 7 माइल जो कि कालिम्पोंग में ही आता है, तो दिखाती हूँ कैसा है। एक्सक्यूज मी, ये 7 माइल कम्युनिटी हॉल किधर है? गाड़ी जा सकता है? पैदल जाना पड़े, ये वाला ना? ओके थैंक यू। तो आ गए हम लोग 7 माइल। इधर से पैदल बहुत नीचे जाना पड़ेगा, हमेशा के जैसा नीचे जाने में तो तकलीफ नहीं होता है, ऊपर आने के टाइम बहुत दिक्कत होता है, इस बार भी वही होने वाला है और चलते हैं। तो ये रहा कम्युनिटी हॉल, जा रहे हैं इसके अंदर। वहाँ पे ऑलरेडी जो ये 7 माइल का कम्युनिटी है वो हम लोगों के लिए वेट कर रहे हैं। और ये गांव में मैं ही काम करने वाली हूँ आगे जाके, तो ये मेरा गांव होता है अभी से। चलिए पहली बार आई हूँ, आप लोगों को भी दिखाती हूँ, खुद भी देख लेती हूँ कैसा है। मीटिंग खत्म हुआ, अभी चलते हैं गांव घूमने। यहाँ पे देखो यार, कितना छोटा छोटा कोरिएंडर का प्लांट है। ये है मिंट का और थोड़ा फ्लावर का भी है। यहाँ पे वो मैं दिखाई थी ना, वो सब कुछ भी है, देखो तो। वाओ, ये बहुत प्यारा लग रहा है। छोटू सा एक ग्रीन हाउस मिल गया, तो अभी चलते हैं आगे, दूसरा कुछ मिलेगा वहां पे। पहली बार मुझे ये बतख दिखा, और इधर एक पिग भी है, काफी बड़ा है साइज में। चलते हैं आगे और क्या क्या दिखेगा। दीदी के घर पे आके बैठे, थोड़ा रेस्ट लेंगे, चिया पियेंगे। चिया मतलब होता है चाय, और दीदी बना के रेडी भी रखी है। मैं तब तक दिखाती हूँ पीछे का व्यू। दीदी के कमरे से पीछे का नज़ारा इतना अच्छा दिख रहा है, देखो।
ये कप में है शॉन द शिप। ये गांव इतना प्यारा है, मुझे तो बहुत खुशी हो रहा है कि वहाँ पे ना गिद्दाबलीन छोड़ के बहुत दिन हो गया था, थोड़ा गांव वाव घूमना था, तो यहाँ पे अभी तो मुझे हमेशा आना जाना होगा। और जो दीदी से मैं मिली वो इतनी प्यारी है कि क्या बोलूँ मैं, बहुत अच्छा लग रहा है। तो अभी फील्ड विजिट कर रहे हैं हम लोग, लेकिन दिक्कत यह है कि मेरे मोबाइल का चार्ज एकदम बैटरी लो है और फोन कभी भी डेड हो जाएगा, तो मैं ज्यादा कुछ नहीं दिखा पाऊंगी। अभी ऊपर जाके मिलती हूँ। तो ये लोकली ये लोग इसको कुआ बोलते हैं, और देख रहे हैं कि फूल वगैरह सब गिरा हुआ है क्योंकि जो मूर्ति विसर्जन होता है वो यहाँ पे संपन्न होता है, तो इसीलिए ऐसा है। अभी चलते हैं थोड़ा वहाँ पे, पहुँच गए हैं गाड़ी तक। तो लकीली हम लोगों को आज ना ऊपर चढ़ना ही नहीं पड़ा, हम लोग सिर्फ नीचे नीचे आए, मतलब वहाँ से आने के मतलब टाइम से ऐसा सीढ़ी ही मिल रहा है, और जो गाड़ी है हम लोगों का वो गाड़ी इधर आके रुक गया है, तो लकीली हम लोगों को आज तकलीफ कम हुआ। हाँ पता है। बाय दीदी। फोन पे चार्ज रहते रहते हम लोगों का फील्ड खत्म हुआ। इसको बोलता है फ्यूचर प्रेडिक्शन करवाना, ठीक है? दीदी के साथ रहोगी तो बहुत कुछ जान पाओगी। सुबह क्या बोली थी इन लोगों को, थोड़ा बोलो ना। अगर ये टूट जाए बीच रास्ते में तो तुम क्या करोगे? बैक टू ऑफिस, शाम हो चुका है, मेरे पास इतना बड़ा एक चावल का पैकेट है। ऑफिस से घर आई हूँ, अभी डिनर विनर का इंतजाम होगा, खाना वाना खा के हम लोग रेस्ट करेंगे। कल जा भी सकते हैं फील्ड में, नहीं भी जा सकते, अभी तक फाइनल नहीं हुआ है, तो देखते हैं कल का। कल तो चलो डिनर क्या बन रहा है दिखाती हूँ मैं।
फ्राई ही एक खा लेती हूँ, अच्छा लग रहा है। गर्मा गर्म पकौड़े का स्वाद अलग ही होता है। नीलूफा दीदी ने बनाया है। डिनर टेबल में मिलेंगे। चलो मैं खाती रहती हूँ, आप लोग काम करके रहो थोड़ा। तो ये है स्क्वाश का पकौड़ा का ग्रेवी। आई गेस कि आज का वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया है, क्योंकि मैंने विलेज दिखाया है और विलेज देखने में तो मज़ा आता ही है। अगर ऐसा ही और भी मेरा विलेज टूर देखना है तो पहले का वीडियो फॉलो कीजिए, और अगर नया नया वीडियोस देखना है तो नीचे वाला वो सब्सक्राइब बटन को दबा के बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, ताकि सबसे पहला नोटिफिकेशन आपके पास ही आए। मिलती हूँ कल के व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। जाते जाते लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। गुड नाइट।